इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, और अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सर्च इंजन का बेहतरीन यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ पहला वीडियो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आएंगे। अगर आपको बिजनेस सक्सेसफुल करना है ऑनलाइन तो आपको वो भी वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि सर्च इंजन क्या है और वो कैसे वर्क करता है। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल है, गूगल, याहू, आस्क डॉट कॉम, बहुत सारे सर्च इंजन है जहाँ पे यूज़र कोई भी जाके कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है, उसे हम बेसिकली सर्च इंजन कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन गूगल है। तो चलिए जानते हैं कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी कोई बेकरी शॉप है, तो उसे ऑनलाइन ले जाके स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी वेबसाइट बना के आप सिंपली पब्लिश करेंगे सर्च इंजन पर। अब कोई गूगल पर जाकर टाइप करता है केक नियर मी माय एरिया, ऐसा कोई भी वर्ड टाइप करता है तो आपकी वेबसाइट शो होगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कितनी है। इंटरनेट ऊपर हज़ारों करोड़ों वेबसाइट है, तो आपको ऐसे कुछ खास बातें अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे गूगल को पता चले कि जो वर्ड सर्च हुआ है उससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, और वो उस यूज़र के सामने आपकी वेबसाइट को रखेगा और सजेस्ट करेगा उसको ओपन करने के लिए। जब कोई यूज़र ऑनलाइन जाके कोई भी वर्ड सर्च करता है और आपका बिजनेस उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो गूगल आपकी वेबसाइट उस यूज़र के सामने रखता है। आप एक तरह से मान सकते हैं कि गूगल एक मैचिंग सिस्टम की तरह काम करता है। वो जो वर्ड सर्च हुआ है वो और आपकी वेबसाइट है वो दोनों मैच होती है तो ही वो आपकी वेबसाइट को उसके सामने रखता है। तो आपको कुछ ऐसे नाम रखने पड़ेंगे, ऐसे डोमेन नेम परचेज करने पड़ेंगे, आपकी जो वेबसाइट की कोडिंग है वो उस तरीके से करनी पड़ेगी जिसको गूगल को पता चले कि आपकी जो वेबसाइट है वो बेसिकली सिंपली किस टॉपिक के रिलेटेड है। अगर आपकी वेबसाइट बेकरी की वेबसाइट है तो गूगल को पता चलना चाहिए कि आप इस वेबसाइट पर बेकरी से रिलेटेड आइटम्स और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बेकरी से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हैं, और आपकी वेबसाइट क्रिएटिव और कॉमन और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए जिससे कोई भी यूज़र नया आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो आसानी से आपकी वेबसाइट को यूज़ कर पाए। अगर किसी को आपकी वेबसाइट समझ में नहीं आई और आपकी वेबसाइट यूज़ करने में डिफ़िकल्ट है तो यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर क्लिक तो करेंगे लेकिन वहाँ पेज पर ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं और एक दो सेकेंड में वापस चले जाएँगे। अगर ऐसा ज़्यादा यूज़र्स वापस जाएंगे तो गूगल को लगेगा कि ये वेबसाइट का कॉन्टेंट अच्छा नहीं है, इसलिए यूज़र्स इस पर क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर टिक नहीं रहे। तो हो सके इतनी यूज़र फ्रेंडली और सिंपल वेबसाइट बनाइए। एक और बात ध्यान रखिए कि जब डोमेन नेम परचेस करते हैं आप, तो ऐसा डोमेन नेम परचेस कीजिए जो डोमेन नेम से गूगल को पता चले कि बेसिकली आपका जो बिजनेस है वो किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक नई वीडियो आएगी, उसे देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे देख के आपको अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है ऑनलाइन वो पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।